इतना सब सुनने के बाद तो मैं खुद भी यहां नहीं रहूंगी। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये आपका घर है, आपके शौहर का घर है। अगर किसी को जाना ही है तो वो है आनिया। आते नहीं ये घर, उसका बिजनेस और उसकी सारी जायदाद अपने बाद आपके नाम करती है। पहले इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन तुमने बाकायदा तौर पर साबित कर दिया कि तुम कितनी मनहूस हो। क्या हो गया आनिया? कैसी बातें कर रही हो? तो और कैसे बात करूं? इसमें क्या गलत है? मैंने क्या गलत कहा है? जब से इस घर में आई हो, तुमने आतिर को दुख और तकलीफों के अलावा दिया ही क्या है? आखिर कब तक? कब तक मैं अपनी किस्मत के ताने सुनती रहूंगी? किस्मत बनाने वाला भी तू है और मुझ जैसों को बनाने वाला भी तू है, तो फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों हमेशा मेरी खुशियां मेरी नहुसत की नजर हो जाती है? या अल्लाह, हातिर की जान की हिफाजत करना, उन्हें अपने अमान में रखना। उनके बिना भी रह सकती वापस भेजते हैं। हसन, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, और अब मैं वापस नहीं आऊंगा। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरा घर जहां मैं अपनी बीवी के साथ रहता था, तंजीला के साथ रहता था। मैं उसी घर में उसके साथ रहूंगा। फैसल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, होश में हूं। अभी तो आया हूं मैं होश में। पहले तो मैं किसी गहरी नींद में था, जिसके ख्वाब में मैं अपनी असली दुनिया तलाश कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी है और अब वो किसी और की बीवी है। फैसल, नहीं, ऐसा नहीं है। तंजीला मेरी बीवी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती वो किसी की, नहीं हो सकती वो किसी की। उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में, तुम्हारे मरने के भाव में दूसरी शादी कर ली है, सहारे के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। वो बहुत आगे बढ़ चुकी है फैसल, भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी में मुझे अपना लो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, हम
एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, नए सिरे से, नए अंदाज से। नहीं भूल सकता उसे मैं, ये मेरे बस में नहीं है सोनिया। और मैंने तुम्हें छोड़ने की बात नहीं की। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, उसी घर में मेरे और तंजीला के साथ। मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ये तुम्हारा फैसला है। क्या हुआ उस लड़के का, आतिर, जिसे तुमने किडनैप किया था? उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? कब हो जाएगा? कितने दिन से तुमने उसे किडनैप करके रखा है? तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देते हो? आखिर क्या चाहते हो उससे? I mean, किस चीज का इंतजार है तुम्हें अब? Mom, please. मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप ही मुझे डिक्टेट करना बंद करें। मैं आपको छोटा बच्चा नहीं रहा जो आपके इशारों पे नाचता रहूं। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद से करने आते हैं। ओहो, तुम तो बुरा मान गए। भाई, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि तुमने उस लड़के को किडनैप किया है जिस मकसद के लिए, तो उसको ठिकाने लगाना जरूरी है। और तुमने तो उसे मेहमान बना के रखा हुआ है। वैसे एक बात बताओ, तुमने उसे किडनैप भी किया है या बस ऐसे ही कह रहे हो? क्योंकि इतनी औकात तो हो नहीं सकती तुम्हारी, इतनी जुर्रत ही नहीं है तुम में। मैंने अगवा किया आतिर को, मैंने अपने खुद इन हाथों से अगवा करवाया उसे, और उसकी वो हालत की है कि उसके अगले पिछले सब याद रखेंगे। बहुत बातें करता है ना वो, बहुत बातें करता है। बहुत जल्द मैं इन हाथों से उसकी जान भी ले लूंगा। लेकिन ये तो तुम कह रहे हो ना कि तुमने आतिर को अगवा किया है, पर मैं कैसे मान लूं? आप मानेंगे भी कैसे? वो बच्चा जिसको सारी जिंदगी आपने दबा कर रखा, जिसकी पसंद नापसंद को आपने अपने ताबे रखा। लेकिन आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं आपको यह यकीन भी दिला दूंगा। अरे फैसल बेटा, कैसे हो? मेरी तो आंखों को यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। क्या बताऊं, बड़ा दुख हुआ था वो झुलसी हुई लाश देखकर। वो लाश तो देखने के काबिल ही नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। खाला, आप अंदर कैसे?
दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर चली आई। ये नाश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे चचा भी आएंगे शाम को, उन्हें पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। जी। एक बात बताऊं, पता है तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हारी बीवी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं मैं बता नहीं सकती। वो उसका सांप का शौहर जो था ना, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था यहां पर। एक दो बार तो मैंने खुद देखा है। खाला आप शायद भूल रही हैं कि वो मेरी बीवी है। हाँ बेटा, इसीलिए तो फिक्र हो रही है तुम्हारी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? यहां से जाने के बाद वो सीधी अपने सांप का शौहर के घर चली गई थी। और ये भी सुना है कि उसने वहां जाकर दोबारा उससे शादी कर ली। यही तो मैं सोच रहा हूं कि उसे वापस कैसे लेकर आऊं। और अगर उसे आतिर ने ना आने दिया तो? क्यों मना करेगा? वो मना कर ही नहीं सकता। इतना तो मैं भी जानती हूं कि ऐसे मामलात में ना बीवी को अपने पहले शौहर के पास ही आना पड़ता है। वैसे तुम चाहो तो किसी मौलवी से भी पूछ सकते हो। ये लो। और कोई और चीज भी चाहिए हो ना बेटा तो झिझकना नहीं, मैं हाजिर हूं तुम्हारी खिदमत के लिए। ठीक है? मैंने अगवा किया आदिर, और उसकी वो हालत की है उसके अगले पिछले सब याद रखेंगे। बहुत बातें करता है ना, बहुत बातें करता है। बहुत जल्द मैं इन हाथों से उसकी जान भी ले लूंगा। ये क्या मामा, ये कैसे किया आपने? तुम ये सब छोड़ो, तुम बस अब तैयारी करो। जीशान की बर्बादी का सबूत अब मेरे हाथ में है। जो इस सारी जायदाद की चाबी बनेगा। और इस चाबी से बेग साहब की दौलत के सारे दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाएंगे। और वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। ऐसे दाद देनी पड़ेगी आपको। आपने जो सोचा भाई ने बिल्कुल वो किया। मामा मैं तो कहती हूं कि अब ये रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द आप पुलिस को दे दें। सब्र करो मेरी जान, अभी जीशान ने आतिर को सिर्फ अगवा किया है, जान से नहीं मारा। लेकिन मैं हूं ना, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि वो आतिर को जान से मार देगा। और फिर ये रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंच जाएगी। मेरा ख्याल है मामा कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई को शक हो जाए और जो कुछ हाथ आ सकता है उससे भी जाते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। जीशान जहनी दबाव का शिकार हो चुका है, उसके लिए तंजीला से शादी करना जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। वो मार देगा, बहुत जल्द मार देगा। आतिर को जान से मार देगा वो। तुम बस
तेल देखो और तेल की धार देखो। हाँ बेटा, कैसे आए? वो एक मसले के सिलसिले में हाजिर हुआ था। हाँ हाँ, कहो कैसा मसला? अगर एक औरत का शौहर लापता हो जाए और कुछ अरसे के बाद वो वापस आ जाए, मगर इस दौरान बीवी किसी और से शादी कर ले, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? देखो बेटा, ऐसी सूरत में बात सीधी और साफ है। औरत को ऐसे मामले में अपने पहले शौहर से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि निकाह पर निकाह की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उस औरत को अपने पहले शौहर के पास वापस जाना होगा। आतिर, मैंने आपके खातिर क्या कुछ नहीं किया। आपके लिए मैंने मौत को गले लगा ली, यहां तक कि आपकी बीवी होने के बावजूद उस तंजीला को इस घर में बर्दाश्त करती रही, और आपने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। मुझे इतना गैर कर दिया, इतना गैर अहम। अब मुझे यहां से जाना होगा, मैं यहां नहीं रह सकती। आनिया, ये सामान उठाए कहां जा रही हो? अपने घर। तुम्हारा घर ये है आनिया? तुम अब भी आतिर की बीवी हो। बस अपने दिल से मेरे लिए नफरत खत्म कर दो। तुमने खुद ही तो मुझसे वादा लिया था कि मैं आतिर से शादी करूं। ऊपर वाले ने बिलाखिर हमें मिला दिया, मुझे सब याद आ गया, और अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पास हूं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अचानक इस हकीकत को तस्लीम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें वापस मेरे पास लौटना होगा। वैसे तुम्हारी लाइफ भी कमाल है, कोई ड्रामे से कम नहीं है। ठीक कहा ना, जानती हो कितना बड़ा गुनाह है निकाह के ऊपर निकाह करना।